हाँ पापा मैं बस में बैठ गई हूँ मैडम। अच्छे से ही बैठी मैडम। टिकट अभी दिख नहीं रहा है, फोन पे बात कर रही हूँ। टिकट टिकट तो बाद में बात कर लीजिएगा मैडम, पहले आप टिकट ले ले क्योंकि और लोगों का भी मुझे टिकट काटना है। पापा मैं आपको करती हूँ कॉल, एक भिखारन आई है उसको बता दूँ पहले। मैडम भिखारन नहीं, कंडक्टर की जॉब है और मेहनत की काम करती हूँ, गुलामी नहीं करती किसी के अंदर। तुझे क्या लगता है मैं टिकट लूंगी? मेरी टिकट नहीं है, चल जा पीछे चेक कर। देखिए हमारे मालिक की तरफ ऑर्डर होता है सबका टिकट काटने का, सिर्फ गरीबों की माफ की जाती है यहाँ पे। तो आप तो गरीब दिख नहीं रही हैं, तो टिकट दे दीजिए। क्या तो मैं आपको गरीब समझूं अगर आप चाहती हैं टिकट ना ले तो? अभी क्या बोला तू, मुझे गरीब समझेगी? तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। तुझे क्या लगता है मैं गरीब हूँ? बहुत पैसा है मेरे पास और मेरे बाप के पास। मैडम ये तो अच्छी बात है आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है तो अपनी टिकट ले लो और साथ में देखो नीचे कुछ गरीब खड़े हैं उनके भी टिकट ले लेना। सेवा केंद्र खोल रखा है मैंने, जो वो भिखारी कीड़ों की टिकट लूंगी मैं। तुझे पता है SHO की बेटी हूँ मैं। तो मैडम SHO की बेटी है तो सरकार आपके पापा को सैलरी देता होगा। हाँ तो चल जाना पानी लेके आ मेरे लिए, कितनी गर्मी हो रही है। मैडम मेरा पानी देने का काम नहीं है, मेरा काम टिकट काटने का है और मैं सिर्फ अपना काम करूंगी। एक बार में तुझे समझ नहीं आया? मैडम देखिए SHO की बेटी हूँ मैं। SHO की है, कमिश्नर ऑफ पुलिस की बेटी नहीं है। और अगर उनकी भी बेटी होती ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ। और तो करना क्या चाहती है? SHO को तो कुछ भी नहीं समझती है। क्या होता है SHO, कितना पैसे कमाता है SHO जो इतना घमंड पाल रखी हो? 40-50 हजार की सैलरी में इतना घमंड? मैडम उतनी मेरी भी सैलरी है, बस फर्क है कि मैं SHO नहीं हूँ। क्या बोला तू? 40-50 हजार रुपए कमाती है, 400-500 रुपए कमा ले वो भी तेरे लिए बहुत बड़ी बात है, समझी? मैडम 40-50 हजार क्या, कभी कभी मेरी कमाई ना लाखों में जाती है। जो टूरिस्ट होते हैं ना वो खुशी से भी कुछ पैसे दे देते हैं और ये पूरी बस की बुकिंग कम से कम 5 लाख की होती है। और जब 5 लाख की पूरी बुकिंग होती है तो उसमें से भी 10% हमारे मालिक हमें देते हैं। अबे फेक इतना रही है ताकि मैं तेरी इज्जत करूँ? मैडम आप SHO की बेटी है ना इसलिए मैं चुप हूँ, मजबूर मत कीजिएगा कि ये मेरे रेप्टर सीधे आपके गाल पे जाके चिपके। SHO की बेटी हो ना, बेटी को खाली लगाती हो? SHO नहीं हो ठीक है, अगर तुम्हारे पापा आए होते ना तो ऐसी हरकत नहीं की होती। अच्छा तुझे पता है, मेरे पापा को पता चल गया ना कि तूने मेरे साथ बदतमीजी की है, तेरे को ले जाके ना जेल में डाल देंगे। गुनाह क्या है जो जेल में डाल देंगे? उनकी बेटी से बदतमीजी कर रही है। बदतमीजी नहीं, मैंने सिर्फ किराया मांगा है और किराया मांगना बदतमीजी नहीं होता है। नहीं दूंगी। क्या कर लेगी मैडम? नहीं देंगी? नहीं। नहीं देंगी? नहीं दूंगी। आखिरी बार पूछ रही हूँ, किराया देंगी या नहीं? अबे कान नहीं है, नहीं दूंगी। ठीक है मेरे पास से निकल। धक्का कैसे दे रही है? धक्का कैसे दे रही है? ये बस हमारी है ठीक है, मुझे अपने बाप को फोन करने दे। मिला लो फोन। हेलो पापा, ये बस में टिकट देने वाली मुझसे इतनी बदतमीजी कर रही है, इसने मुझ पे हाथ उठाया। बात करो बात करो। फिर चल बे। हेलो नमस्ते सर। सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ इनसे टिकट काट रही हूँ और ये टिकट के पैसे नहीं दे रही है, आपके पोस्ट का फायदा उठा रही है। हाँ जी सर मैं सच बोल रही हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं CCTV की फुटेज दे सकती हूँ। क्या CCTV की फुटेज देगी? बात करो, वो गुस्सा कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वो बोल रही है अगर वो टिकट नहीं देगी ना तो उसके घर में एंट्री बंद हो जाएगी, अब सोच लो। अबे चल अभी तो ठीक है, मैं जा रही हूँ एरोप्लेन से चले जाऊंगी। और हाँ तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा। एरोप्लेन तो तुम्हारे ना तो यहाँ मिलेगी ना, ना तेरी ये बस मिलेगी। और हाँ जिस ऑनर की ये बस होगी ना उसका अगर घाटा हुआ तो वो देखते रहा। अरे वो करोड़ों में कमाते हैं तुम्हारे। ए, मेरे से जुबान लड़ाएगी? कोई नहीं, अब तो तुम्हें पुलिस लेके ही जाएगी। अब मैं पुलिस वाले को बुलाऊंगी, मैं फोन करूंगी और मेरे मालिक भी आएंगे, फिर देखते तुम्हें कौन बचाता है। बहुत घमंड है अपने बाप की पावर का, ऐसा नहीं है तुम्हारी बाप की पर्दी ना उतर जाए, ध्यान रखना इस चीज का ठीक है ना। तो कौड़ी की टिकट देने वाली मेरे बाप की पर्दी उतरवाएगी? हाँ मैं भी देखती हूँ। देख लेना, मैं भी देखती हूँ। निकल जा मेरी बस से, ये मेरी बस है, निकल यहाँ से। बेचल